हेलो एवरीवन, दिस इज़ विवेक पॉल एंड यू आर वाचिंग ट्यूशन वाला भैया। आपके डिमांड पर आज हम लोग लेकर के आए हैं आपका इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो जेएसएससी सीजीएल का पेपर थर्ड में आने वाला है, जीएस जनरल साइंस। जनरल साइंस का सिलेबस को हम लोगों ने पहले ही डील कर लिया है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ लिंक पर जाकर के देख लें, ठीक है। तो सिलेबस में हम लोगों ने बताया था कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी को हम लोग देखेंगे, तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं फिजिक्स को। और फिजिक्स का पहला चैप्टर से हम लोग शुरू करेंगे। तो फिजिक्स का पहला चैप्टर एज पर सिलेबस रिटन टू यू इज फिजिकल क्वांटिटीज, भौतिक राशियां, इससे हम लोग चलेंगे। देखिए चैप्टर बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन एग्जाम जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, 20 क्वेश्चन आएंगे, आपके पास एक समरी होना चाहिए। यू शुड हैव अ समरी रिपोर्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स। मतलब बहुत मोटे मोटे किताब है, पूरा पढ़ेंगे तो एग्जाम के टाइम में थोड़ी पढ़ जा पाइएगा। सो यू शुड हैव अ समरी। तो समरी करके हम आपको बताएंगे हर टॉपिक को जो आपके एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आज से आप लोग गांठ बांध लीजिए और कॉपी पेन लेकर के फिर से तैयार हो जाइए जीएस का पेपर को तैयार करने के लिए। ध्यान दीजिए, फिजिकल क्वांटिटी स्टार्ट करेंगे। तो पहले जान लेंगे कि फिजिकल क्वांटिटी होती क्या है। द थिंग्स विच कैन बी मेजर्ड, ठीक है। जो इस दुनिया में मौजूद कोई भी चीज है, कोई भी वस्तु है, जिसे क्या किया जा सकता है, जिसको हम लोग नाप सकते हैं। आपसे एक सवाल है, क्या आप मेरे फीलिंग्स को नाप सकते हैं? नाप सकते हैं? मेरा एक छोटा बच्चा है, मेरा एक बेटा है, मैं उससे कितना प्यार करता हूं, आप नाप सकते हैं? नहीं नाप सकते। द थिंग्स विच कैन बी मेजर्ड, दोज आर व्हाट फिजिकल क्वांटिटीज। वो सारे क्या होते हैं? भौतिक राशियां कहलाती है। इसीलिए मैंने लिखा है कि भौतिकी के अंतर्गत जिन राशियों को पदों में व्यक्त किया जाता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? फिजिकल क्वांटिटी या भौतिक राशि कहते हैं। एग्जाम्पल, जैसे कोई किसी भी सामान का द्रव्यमान नाप सकते हैं, लंबाई नाप सकते हैं, कितना लंबा है ये मार्कर, कितना लंबा है बल, हम इसको कितना फोर्स से दबा रहे हैं नाप सकते हैं, चाल कितना स्पीड है, ये सब क्या होता है? राशियां, ऐसे राशियां जिसे हम लोग नाप सकते हैं। ऐसे कुछ राशि होती है जिसे हम नहीं नाप सकते हैं, वो फिजिकल क्वांटिटी के अंदर में नहीं आती है। जैसे लॉब, LOVE, वी कांट मेजर दैट। बोलता है ना कि हम लोग बहुत प्यार करते हैं, दिल से प्यार करते हैं। अरे दिल से प्यार थोड़ी होता है, बायोलॉजी पढ़ाएंगे तो समझ में आ जाएगा कि प्यार थोड़ी दिल से होता है। दिल का तो एक फंक्शन है, वो प्यार करने के लिए नहीं होता है, ठीक है। चलिए, जब फिजिक्स, अभी फिलहाल तो फिजिक्स पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी में उसको बताएंगे। तो देखिए, फिजिकल क्वांटिटी को दो भाग में बांटा जाता है। पहला क्या है? इसे सदिश राशि या वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। दूसरा क्या है? अदिश राशि, स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। अब जो बंदे क्लास 10 के बाद साइंस लेके पढ़ाई किए हैं, ये सब एलाबोरेटली पढ़े हैं, बहुत बढ़िया तरीके से वो लोग का सिलेबस को कवर अप किए हैं। लेकिन वो सारे स्टूडेंट्स कहाँ जाएं जो 10th करके आर्ट्स लिए हैं, कॉमर्स लिए हैं, वो लोग कहाँ जाएं? तो ये उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो लोग नहीं जानते हैं या फिर लाइट नॉलेज रखते हैं। तो आपको एक समरी के रूप में आपका कॉपी में नोट हो जाएगा, आप इतना ही पढ़ के जाइएगा। जीएस के 20 क्वेश्चन बनेंगे गारंटी, इससे बाहर सवाल नहीं आएंगे। तो जो भी लिखवा रहे हैं एकदम पॉइंट वाइज लिखते जाएंगे, ठीक है। तो देखिए, मैं पढ़ा रहा हूं कि सदिश राशि कितने तरह के होते, सॉरी सर, फिजिकल क्वांटिटी भौतिक राशि कितने तरह के होते हैं ना? सदिश और अदिश दो तरह के होते हैं। सदिश किसे कहेंगे? कि ऐसी राशियां जिसमें परिमाण एवं दिशा, मतलब क्या, मैग्नीट्यूड और दिशा, मतलब डायरेक्शन। अब CBSE वाले गुस्साने लगेंगे कि सर यहाँ तो खाली हिंदी में लिख रहे हैं। अरे बाबा, क्या दिक्कत है, आपको एग्जाम क्वालिफाई करने से मतलब है ना? ना क्या इंग्लिश का राइटिंग बढ़िया करना है या हिंदी का राइटिंग बढ़िया करना, वहाँ रिटर्न एग्जाम होगा ही नहीं, आपको तो सिलेक्ट करना ऑप्शन, समझ रहे हैं? तो यहाँ पे ध्यान दीजिए भाव को, आपका नोट को, कि एक छोटा सा कॉपी में आपका नोट बन जाए, मैं उस पर टारगेट कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए क्या कह रहा हूँ, कि जो भी क्वांटिटी में क्या रहे, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी, मैग्नीट्यूड मतलब परिमाण और उसका डायरेक्शन, उसी को क्या कहेंगे? सदिश राशि कहेंगे। इसी के जस्ट उल्टा क्या होता है? अदिश राशि केवल परिमाण होता है। इसमें क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा तो वो क्या होगा? स्केलर क्वांटिटी, डायरेक्शन नहीं होगा। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं जो सदिश का एग्जाम्पल है। क्या है पहला? देखिए वेग, क्या है? वेलोसिटी। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? क्लास 11 के वाले बच्चे बोल देंगे, क्लास 9 के वाले बच्चे बोल देंगे, क्या वेग? वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन बटा समय,
जहां जरूरत पड़ेगा मैं बताऊंगा, जहां जरूरत नहीं वो नहीं बताऊंगा, ठीक है। देखिए वेग निकाल, वेग का फॉर्मूला क्या होता है, विस्थापन बटा समय, और ये जो विस्थापन है ये एक दूरी का ही प्रकार है, लेकिन शॉर्टेस्ट लेंथ को क्या बोलते हैं, विस्थापन बोलते हैं। चलिए देखिए, ध्यान दीजिए, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, यहां से यहां तक की दूरी मैं ऐसे नापू, मैं ऐसे नापू, या फिर मैं ऐसे नापू, दूरी ही निकलेगा, है ना। तो चलिए, ये एक तरीका हुआ, ये दूसरा तरीका था, ये तीसरा तरीका था। तो दूरी नापने का अभी फिलहाल हमारे पास तीन गो क्या है, तरीका है। तो अगर हम इस तरीका से नापेंगे तो दूरी निकलेगा, अगर हम इस तरीका से निकलेंगे तो दूरी निकलेगा, लेकिन हम इस तरीका से निकालेंगे तो विस्थापन निकलेगा। काहे सर? क्योंकि दो बिंदुओं के बीच जो न्यूनतम दूरी होती है, क्या बोले, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स और टू पोजीशंस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, दैट इज विस्थापन। तो वही लिखा हुआ है कि वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटा समय, दूरी बटा समय नहीं होता है, वो क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय। यहां देखिए चाल लिखा हुआ है, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, ठीक है। तो विस्थापन क्या है, एक तरह का सदिश राशि है, क्योंकि इसका डायरेक्शन होता है कहां से कहां, इनिशियल से फाइनल के तरफ, इनिशियल टू फाइनल, कहां डायरेक्शन होता है, इनिशियल टू फाइनल, कि पहला बिंदु, शुरुआत का बिंदु को आखिरी बिंदु तक मिलाना है। लेकिन डिस्टेंस में कोई ऐसा नहीं है, आप इधर से भी मन होगा तो यहां से भी नाप लीजिए, कोई टेंशन नहीं है। इधर जाने जाते जाते देखिए इधर जाने लगा, तो डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है दूरी को, ठीक है। तो अब विस्थापन भी समझ गए और वेग भी समझ गए, विस्थापन मतलब हो गया डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए वल, फोर्स, उस फोर्स क्या है, अभी ध्यान दीजिए, मैं एक एग्जांपल यहाँ पे आपको दे रहा हूँ कि एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है आपके पास, ये ऑब्जेक्ट को हम इधर से पुश कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं, तो ये ऑब्जेक्ट किधर जाएगा, ये ऑब्जेक्ट जाएगा आपका इधर, ठीक है। मान लीजिए इधर एक दीवार लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, इधर एक दीवार है, फिर भी उधर ही पुश कर रहे हैं, तो जाएगा नहीं जाएगा, तब तक नहीं जाएगा जब तक इस दीवार में जो लगा बल है, इस दीवार में एक इनर्शियल फोर्स है, इसको क्या बोलेंगे, इनर्शियल फोर्स, मतलब पहले से मौजूद होता है जो बल, वो फोर्स हमारा पुश फोर्स से ज़्यादा कम ना हो जाए, हमारा जो लगाया हुआ बल है, ये देखिए ये बोर्ड है, ये दीवार पर लगा हुआ है, इसको मैं पुश कर रहा हूँ, ये तब तक ये बोर्ड उधर नहीं जाएगा जब तक कि मेरा जो लगाया हुआ पुश फोर्स है इस दीवार के फोर्स से ज़्यादा ना हो जाए। तो मतलब डायरेक्शन पर डिपेंड कर रहा है, डायरेक्शन पर डिपेंड कर रहा है, तो जो डायरेक्शन पे और मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करेगा वो क्या होता है, आपका सदिश राशि होता है, तो बल भी एक सदिश राशि। उसी तरह से चुंबकीय तीव्रता, इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी, क्या बोले, इलेक्ट्रिकल लिख दिए है ना, गलत है, इलेक्ट्रिकल नहीं होगा, वो क्या होगा, मैग्नेटिकल इंटेंसिटी, मैग्नेटिक इंटेंसिटी क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक लिख लीजिएगा, मैग्नेटिक इंटेंसिटी, चुंबकीय तीव्रता। ये जब हम चुंबक चैप्टर पढ़ेंगे तो और अच्छे समझ में, और भी बहुत सारे हैं, आप लोग नोट बना लीजिए, है ना। चलिए अब देखते हैं अदिश राशि। अदिश राशि क्या है, जिसमें क्या है, सिर्फ और सिर्फ परिमाण हो, मैग्नीट्यूड हो, क्या हो, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड जिसमें हो। तो इसी तरह से एग्जाम्पल देखिए, द्रव्यमान जो होता है वो केजी में नापते हैं, द्रव्यमान एक अदिश राशि, इसको डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है, उल्टा लटका के नापिए, चाहे इधर से नापिए इधर से नापिए, वजन तो वजन ही है ना, द्रव्यमान तो द्रव्यमान ही, भार अलग चीज है, फिर बोल दूं, भार अलग चीज है, भौमे आकार रो भार अलग चीज है, वेट अलग चीज है, ये हमेशा नीचे की तरफ लगती है, भार एक सदिश राशि है, द्रव्यमान एक अदिश राशि है, इट डजंट रिक्वायर एनी डायरेक्शन, इट हैज ओनली व्हाट, मैग्नीट्यूड, परिणाम है। घनत्व क्या होता है, किसी भी पानी का घनत्व हो गया, कोई भी चीज का घनत्व, लोहे का भी घनत्व होता है, ठीक है, तो ये केजी पर मीटर क्यूब में नापते हैं, तापमान हो गया केल्विन में नापते हैं, डायरेक्शन से क्या मतलब है, डायरेक्शन से क्या मतलब है तापमान को, विद्युत धारा समय सेकंड में नापते हैं, कार्य हो गया जूल में नापते हैं, विद्युत धारा, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट एक सवाल बनता है, ध्यान दीजिएगा, मैं इसको मिटा रहा हूँ, आई होप आप लोग लिख लिए हैं, अगर नहीं लिखे हैं तो मैं हट रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट मार लें, आई होप स्क्रीनशॉट मार चुके हैं, आप ध्यान दीजिए, मैं बोल रहा हूं क्या, कि मैं बोल रहा हूं विद्युत धारा करंट का बात, करंट मतलब इलेक्ट्रिसिटी का बात कर रहे हैं, जिसको आई से डिनोट करते थे आप लोग, ठीक है, क्लास 10 में भी सीखे हैं। तो मैं बोल रहा हूं कि ये एक अदिश राशि है, व्हाट, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी का मतलब जिसमें परिमाण हो, डायरेक्शन ना हो, लेकिन आपको पता है ये एक टर्मिनल है, ये एक टर्मिनल है, ये तार है, इस वायर में करंट इधर से इधर जाएगा या इधर से इधर जाएगा, ये हम लोग डिसाइड करते हैं, तो डायरेक्शन तो है, लेकिन फिर भी इलेक्ट्रिसिटी को इसमें काहे रखा गया है, तो एक नोट, अच्छा फिर से समझाते हैं, मान ली क्या बोलना चाह रहे हैं हम, देखिए ये एक बैटरी का टर्मिनल इस तरह से रखते थे,
रखते थे ना भाई, ये वाला नेगेटिव टर्मिनल होता था, ये पॉजिटिव टर्मिनल होता था, पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलता था और नेगेटिव टर्मिनल में जाके करंट घुसता था, तो डायरेक्शन तो है, लेकिन फिर भी इसको इस कलर में क्यों रखा गया है? देखिए एक चीज जो है, क्लास 10 में आप ये चीज नहीं समझे थे, जब आप 11 में जाते हैं, सॉरी 11 या 12th में होगा, 12th में होगा, करंट चैप्टर जो है 12th में है, उसमें पढ़ाया जाता है, लेकिन अभी बताना जरूरी है कि करंट अदिश राशि क्यों है। करंट अदिश राशि इसलिए, डायरेक्शन भी है, परिमाण भी है, दोनों है इसमें, क्या है कि डायरेक्शन है और मैग्नीट्यूड दोनों है, लेकिन फिर भी क्या है, अदिश राशि है, तो इसमें एक लॉ फॉलो नहीं होता है, उस लॉ का नाम है वेक्टर, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, है ना। सदिश योग के नियम, क्या बोले, सदिश योग के नियम, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, मतलब आपको दिमाग में आ गया कि तीन चीज, सर वेक्टर होने के लिए तीन चीज चाहिए, पहले क्या बोले थे कि मैग्नीट्यूड, शॉर्ट में लिख रहे हैं मैग्नीट्यूड, दूसरा बोले थे सर डायरेक्शन, सर आप अभी क्या बोल रहे हैं कि भाई ये को नियम भी है, ये जो है लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ये भी एक नियम है जिसके आधार पर हम लोग देखते हैं कि ये वेक्टर है या स्केलर है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यहां एक नया चीज सीखे, तब हम लोग सेशन को आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे इसी चैप्टर में भौतिक राशि में और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो अब हम लोग देखेंगे फिजिकल क्वांटिटी में क्या कि मात्रक पद्धति, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को जो मात्रक दिया जाता है, देखिए मैंने क्या कहा, फिजिकल क्वांटिटी क्या है, जिस चीज को नापा जा सकता है, द थिंग्स और द मैटर विच कैन बी मेजर्ड, जिसे नापा जा सकता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, फिजिकल क्वांटिटी। तो उसको जो मापते हैं उसका कुछ मात्रक होगा, मात्रक मतलब समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं, आप यहां से मार्केट गए, आप अपना घर से मार्केट गए, तो कितना दूर है मार्केट, तो बोलिएगा कि चार, लेकिन चार के साथ चार किलोमीटर बोलना पड़ेगा ना, या चार मीटर बोलना पड़ेगा ना, समझ रहे हैं। तो मात्रक मतलब क्या होता है कि न्यूमेरिकल वैल्यू प्लस यूनिट, यूनिट जिसे कहते हैं आप लोग, क्या बोलते हैं, यूनिट। तो इसी को कहा गया है सिस्टम ऑफ यूनिट्स या मात्रक पद्धति। तो मात्रक देने का चार पद्धतियां हैं, कितना पद्धति है, चार पद्धति है, ठीक है। पहला को क्या कहते हैं, CGS सिस्टम, FPS सिस्टम सेकंड हो गया, थर्ड हो गया आपका MKS सिस्टम, और फोर्थ हो गया SI सिस्टम। ये क्या है सर, जितना आएगा एग्जाम में बस उतना ही लिखा हुआ है, विशेष जानकारी चाहिए होगा तो हमारे चैनल में जाकर के प्लेलिस्ट में चेक कीजिएगा, फिजिक्स का ये चैप्टर बहुत बढ़िया से किया हुआ हुआ है, ठीक है। मैंने चैप्टर है सिस्टम ऑफ यूनिट्स, सिस्टम ऑफ यूनिट बाय विवेक सर लिखिएगा आपको आ जाएगा, या फिर सिस्टम ऑफ यूनिट ट्यूशन वाला भैया लिखिएगा आपको आ जाएगा, पूरा डिटेल में उसमें दिया हुआ है, लेकिन एग्जाम पर्पस से जितना आता है उतना ही लिखे हैं, क्योंकि वो 11th क्लास का है एक्चुअली में, वो जो क्लासेस हैं वो 11th क्लास का है, ठीक है। लेकिन फिर भी आपको डिटेल नॉलेज चाहिए तो आप जाके प्लेलिस्ट में चेक कीजिए, क्लास 11 का फिजिक्स है, ओके, चैप्टर 1 में बताया हुआ है, चैप्टर 2 में बताया हुआ है। तो देखिए CGS क्या होता है, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, CGS क्या होता है, सेंटीमीटर ग्राम और सेकंड, सेंटीमीटर लंबाई नापने के लिए, द्रव्यमान नापने के लिए ग्राम, और समय नापने के लिए सेकंड का इस्तेमाल किया जाता है, और उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, CGS सिस्टम, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम। अब हम लोग दूसरा सिस्टम की तरफ जाएंगे, दूसरा सिस्टम है FPS सिस्टम, क्या है FPS सिस्टम, मतलब फुट पाउंड सेकंड, क्या बोलता है, फुट पाउंड सेकंड। देखिए फुट मतलब किसको नापते हैं, लंबाई नापने के लिए फुट है, द्रव्यमान नापने के लिए पाउंड है, और समय नापने के लिए सेकंड है। उसी तरह से MKS सिस्टम जो है वो क्या है, मीटर किलोग्राम सेकंड, क्या है, मीटर केजी सेकंड, मीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम हो गया। अब आ जाते हैं चौथा नंबर में, MKS सिस्टम जो है उसी का एडवांस्ड वर्जन है ये SI सिस्टम, क्या बोले, एडवांस, MKS सिस्टम का ही एडवांस्ड वर्जन SI सिस्टम वो है, ठीक है। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, क्या कहा जाता है SI सिस्टम को, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ये वर्ल्ड वाइड में वैलिड है। ये इतना सारा सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्यों किया गया, मान लीजिए आप अपने गांव में रहते हैं और आपको कहा गया कि हर इसका लंबाई कितना है, तो बोले डेढ़ बित्ता है, मतलब क्या बिलांद, ऐसे नापेंगे नहीं, एगो दो गो, ये तो आपका है ना नापने का तरीका, अमेरिका में जाके बोलेगा बिलांद, हिंदी वाले लोग क्या बोलते हैं इसको, बिलांद, एक बिलांद, दो बिलांद। इसके बाद आपको बोला अरे एक काम करो मार्केट से एक दर्जन केला ले आओ, आप दर्जन मतलब 12 को समझते हैं, थोड़ी ना अमेरिका का आदमी समझेगा, थोड़ी ना ब्रिटिश में जाकर के समझेगा,
नहीं समझेगा, ये आपका लोकल लैंग्वेज है। तो ये जो सिस्टम ऑफ यूनिट है, बनाने का पर्पस ये था कि वर्ल्ड वाइड में इसको पहचाना जा सके, क्योंकि इकोनॉमिकल दुनिया में रह रहे हैं हम लोग, इकोनॉमिक्स में रह रहे हैं, मतलब इकोनॉमी को आगे बढ़ाना है तो व्यापार करना पड़ता है। हमारे यहाँ का सामान वहाँ जाते हैं, वहाँ का सामान यहाँ आते हैं, तो ये सब जो ट्रांसफर ऑफ मटेरियल्स गुड्स होता है, इसीलिए जो यूनिट एक स्थायी यूनिट होना चाहिए, परमानेंट यूनिट होना चाहिए। तो लास्ट में जाके ये इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स को हम लोग मानने और आगे देखें क्या होता है कि एमकेएस सिस्टम का एडवांस्ड वर्जन है। इसमें देखिए, इसमें सात तरह का हम लोग क्वांटिटीज पढ़ते हैं जिसे फंडामेंटल क्वांटिटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फंडामेंटल क्वांटिटी कहा जाता है। देखिए क्या लिखा हुआ है, इसमें कुल सात मूल मात्रक होते हैं। मूल मात्रक का मतलब क्या होता है? फंडामेंटल क्वांटिटी होता है। कितना होता है सर? ना सर, सात होता है, सात फिजिकल क्वांटिटी, सॉरी फंडामेंटल क्वांटिटी होता है, मूल राशियां जिसे कहा जाता है हिंदी में, ठीक है। इसमें जैसे हो गया, इसमें क्या देखे थे, मीटर किलोग्राम सेकंड, इसमें भी होता है। क्या होता है? मीटर किलोग्राम सेकंड, इसमें भी होता है, तथा चार अन्य भी होते हैं। इसके साथ मीटर किलोग्राम सेकंड के साथ चार अन्य भी है, वो कौन सा है? इसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा नेक्स्ट वीडियो का, और अगर इंतजार नहीं हो रहा है तो प्लेलिस्ट में जाइए, उसमें डिटेल में पढ़ाया हुआ है क्लास 11 का फिजिक्स में, ठीक है। तो फंडामेंटल यूनिट्स पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, उसके बाद सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी पढ़ेंगे। तो जो आता है देखिए उसको हम नोट बना रहे हैं आपका छोटा सा कॉपी में, जीएस जनरल साइंस हो जाना चाहिए, ये हमारा टारगेट है। तो वीडियो में पूरा बने रहने के लिए धन्यवाद। जाते जाते वीडियो को स्क्रीनशॉट ले ले, ठीक है, मैं हट जा रहा हूं। चलिए आप लोग ले लिए हैं, थैंक यू सो मच।